हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आशा करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बीएड हमारी जो पवन सीरीज थी वो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, और फोर्थ बची है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जो आज की जो सीएचएमयू न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कल आप लोगों का रिजल्ट आया था एमएड वालों का, तो जिनकी भी अच्छी रैंक आई है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनकी ठीक ठाक आई है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी डेट में कौन सी काउंसलिंग होनी है, किस रैंक तक की आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पे दिया गया सबसे पहले कि एमएड प्रवेश परीक्षा 2023 काउंसलिंग सूचना। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर परिसर के शिक्षा विभाग में एमएड पाठ्यक्रम 2023 से 25 की 55 सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 12 जून से 13 जून तक आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग का तिथि व कार्यक्रम से निम्न प्रकार है। ठीक है, तो देखिए, 12 जून को होनी है काउंसलिंग और 13 जून को होनी है। ठीक है, तो दो दिन आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। आप कौन कौन सी रैंक वाले जा सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए, जो 12 जून वाले हैं उनमें जाएंगे 1 से लेकर 150 तक की। ठीक है, जिनकी भी 1 से लेकर 150 रैंक है ये सबके लिए है। ठीक है, ओपन टू ऑल है, सभी के लिए। ऐसे सभी वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी जनरल रैंक है 1 से 150 तक की, ठीक है, उस पर लिखी होगी जनरल रैंक है, ओबीसी रैंक है, एससी रैंक है, जो भी रैंक लिखी है वो आप लोग देख लीजिएगा। बट यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि 1 से 150 जनरल वाली रैंक जिनकी भी आई है वो लोग फर्स्ट डे जाएंगे, मतलब कि 12 जून को जाएंगे। फिर देखिए, सेकेंड डे जो बोला गया है वो ये है कि 1 से 300 तक की जिनकी ओबीसी एंड एससी वाले हैं, ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी जनरल रैंक 1 से 300 तक की है वो कब जाएंगे, 13 जून तक जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और रैंक दी गई, 1 से लेके 1008 तक की ऑल एससी, सॉरी एसटी, पीएच, एफएफ और एएफ, ऐसे सभी अनुसूचित जनजाति, दिवांग, स्वतंत्रता सेनानी, आर्मी, कार्मिक वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी जनरल रैंक 1001 से लेकर 1008 तक की है वो लोग 13 तारीख को जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अलग अलग रूम में शायद में भी हो सकता है कि अलग अलग रूम में करवा दिया जाए, क्योंकि ये एक ही साथ अगर जाएंगे तो मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी वो जाने के बाद ही पता चलेगा कैसे क्या होगा वहाँ पे। और क्या क्या है देखिए, स्थान यहाँ पे दिया गया, काउंसलिंग स्थान है शिक्षा विभाग स्कूल ऑफ टीचिंग टीचर एजुकेशन, छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 2080-24। ठीक है, अब देखिए जो टाइम है वो है 10 बजे से। ठीक है, तो 10 बजे से आप लोग पहुँच जाइएगा। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया वो देख लीजिए कि उक्त काउंसलिंग कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के शिक्षा विभाग में संचालित एमएड का पाठ्यक्रम की केवल 55 सीटों के लिए ही है। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षिक अभिलेखों, प्रवेश परीक्षा रैंक कार्ड, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सबसे देखिए, सबसे पहले तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट है वो देख लीजिएगा, और फिर इसके बाद प्रवेश परीक्षा रैंक कार्ड, जो भी रैंक आई है वो, फिर आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, जाति निवास या फिर EWS और स्वतंत्रता सेनानी, आर्मी, कार्मिक और इस पर दिव्यांग है, आय प्रमाण पत्र है आदि की मूल प्रति एवं सभी अभिलेखों प्रमाण पत्रों की 2 छाया प्रति साथ ले जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी सर्टिफिकेट है उसको लीजिए, सबकी कॉपी करवाइए और ले जाइए, क्योंकि कोई भी वहाँ पे मांग सकता है। मेन तो डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस अदर भी जितना हो ले लीजिएगा। ठीक है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे सब चीज़ों का ये अभी नया है आपका प्रवेश परीक्षा रैंक कार्ड, जो भी आपका रिजल्ट आया उसको भी डाउनलोड करके 2 कॉपी करवा के ले जाइएगा। ठीक है, तो ये ही न्यूज़ है एमएड वालों के लिए, जो भी इस बार करने का इच्छुक हैं। ठीक है, तो आज की न्यूज़ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट अब आगे का, देखिए आज हो जाएगी हमारी 9 तारीख हो ही गई है, और कोशिश करेंगे अगर कल मैं बात करता हूँ तो अगर कल बुक अवेलेबल हो पाएगी मेरे पास तो मैं कल से ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा, वरना फिर नोट्स ही देखेंगे, क्योंकि क्लास तो कंटिन्यू रखना है, कुछ ना कुछ हम लोग नोट्स भी देखेंगे। ठीक है, बाकी MCQ तो जल्दी से जल्दी कोशिश हम भी करेंगे स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।